देखिए क्वेश्चन क्या है, फोर स्टूडेंट ए बी सी डी डिस्ट्रीब्यूट 30 मार्वल्स, पजल्स है, एक दो क्वेश्चन हैं इसके साथ, केयरफुल होके करना है, क्वेश्चन को समझे बिना कभी भी करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए फिर क्या पूछा है वो हम बाद में उसको करेंगे। तो जैसे इसमें बोला गया है कि फोर स्टूडेंट ए बी सी डी डिस्ट्रीब्यूट 30 मार्वल्स, यानी फोर फ्रेंड्स हैं बी सी डी जिनको 30 मार्वल्स डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग देमसेल्फ, नो टू स्टूडेंट गॉट इक्वल नंबर ऑफ मार्बल, किसी भी दो को इक्वल ना मिले, नो स्टूडेंट गॉट मोर देन 10 मार्बल, नो स्टूडेंट गेट लेस देन 5, यानी 5 या 5 से ज्यादा और 10 या 10 से कम हो सकते हैं, यानी बिटवीन 5 एंड 10 ही हो सकते हैं, किसी एक को 5 से कम नहीं मिलना चाहिए और 10 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ए एंड सी गॉट ऑड नंबर्स ऑफ मार्बल्स, बी एंड डी गॉट इवन नंबर ऑफ मार्बल, बिल्कुल ठीक है। अब हम एक थोड़ा सा डायग्राम बना लें, ए बी सी एंड डी, अब हमें बोला है कि ए एंड सी ऑड नंबर्स, मतलब इनके जो नंबर है वो ऑड है, और यहां पर बोला गया है इवन, बी और सी के इवन नंबर्स हैं, ये इवन नंबर यानी इवन नंबर ऑफ मार्बल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ए गॉट मोर मार्बल देन बी, यानी ए के पास बी से ज्यादा है, ऐसा लिखते चले, ये शॉर्ट में आप जरूर लिखें, ए के पास बी से ज्यादा है, एक चीज, ए गॉट मोर मार्बल देन बी, सी गॉट मोर मार्बल देन डी, सी के पास डी से भी ज्यादा है, और बी गॉट मोर मार्बल देन डी, बी के पास भी डी से ज्यादा है। तो अब आपको ये देख रहा है कि ए के पास सबसे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ए के पास ए बी से ज्यादा और बी के डी से ज्यादा है और सी डी के भी डी से, तो डी के पास सबसे कम होंगे, डी इवन है। तो अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम कम में चले, तो इसको अगर मान लो मैं 6 मान लूं, सी के पास डी से ज्यादा है, तो इसको अगर हम 7 मान लें, अच्छा बी के पास क्योंकि इवन है तो 8 ले लें, और ए को अगर मैं 9 ले लूं, तो इसको ऐड करने पे देखिए कितना होता है, ये हो गया 17 प्लस 24 30, यस ये 30 भी होता है और दी गई कंडीशन को फुलफिल भी करता है। अब आप पूछ सकते हो कि सर 6 ही क्यों लिए, क्योंकि भाई आपको पता है कि 5 से कम तो हो ही नहीं सकते थे, डी सबसे कम में दिख रहा, देखो ठीक है, 5 से कम हो नहीं सकते थे, 5 मिनिमम है, और डी इवन प्लेस पे बैठा है तो 5 लग नहीं सकते तो 6, फिर जैसे ही आप इधर आए सी, तो आपको पता था डी के से ज्यादा सी के पास है, तो आपने एक 7 ले लिया, 5 नहीं लेते क्योंकि 5 लेने पे कम हो जाता, जैसे ही 7 लिया आपको पता है बी इवन है तो 6 से बड़ा सेम तो होंगे नहीं, 6 तो हो नहीं सकते, तो 8 ले लिया, जैसे 8 लिया तो 9 हो गया, सम 30 हो गया। अब आपको दो क्वेश्चन पूछे हो, चार पूछे हो, आप बड़े आराम से बता सकते हो, जैसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मार्बल विद ए, ए के पास कितने मार्बल हैं, तो ए के पास कितने मार्बल दिख रहे हैं आपको, ऑब्वियसली 9 मार्बल दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मीन नंबर ऑफ मार्बल विद बी सी डी, बी सी डी के पास मीन नंबर कितने, तो 9 हटा दो, तो ये 21 है, और मीन पूछा तो डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 के लिए मीन बोला तो 7, तो मीन नंबर ऑफ मार्बल 7। आपसे पूछते डी के पास कितने मार्बल हैं, आप बोलते 6, सी के पास कितने, आप बोलते 7, बी के पास कितने 8, बी सी का मीन कितना, यानी जो भी एक बार अगर ये सही डायग्राम बन गया तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा।